सर डेल्टा एच या डेल्टा एन ही नहीं है डेटा। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उसी की हेल्प से क्वेश्चन करना है और हो जाएगा। हेलो सर, सर एक मिनट, हाँ ऊपर वाले का आंसर दिखाओ। सर हो गया क्या? देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं तुम्हें क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ कैसे करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें मान लो कि लेट मास ऑफ स्टीम एवापोरेटेड इतना है एक्स की, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बचेगा बताओ? सॉल्वेंट का मास कितना बचेगा? अब टू माइनस एक्स के जी बचेगा क्योंकि टोटल सॉल्वेंट 2 kg था, उसमें से अगर एक्स ग्राम स्टीम एवेपोरेट हो गई इतना मास बचा है सॉल्वेंट का। अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम लगा दो। डेल्टा टी बी तो 1 है, के बी की वैल्यू 0.5, मोलिलिटी क्या होगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, 1.5 kg आ जाएगा। समझे? बोलो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, थर्ड नंबर वाली। क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा टी एफ। जैसे हम लोग बोल रहे थे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट के साथ? वो कम हो रहा है ना। मान लो पहले अगर आइस जो है 0 degree Celsius पर बनती थी तो अब 0 degree पर नहीं बनेगी, उससे भी कम टेम्परेचर -1 -2 इस पे बनेगी। तो सबसे पहले तो हम इसमें डिफाइन करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? तो हम बोलते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर इक्वल कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड।
कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड के वेपर का प्रेशर और लिक्विड के वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन कभी तुमने पहले पढ़ी है जीवन में? नहीं पढ़ी। क्या हुआ? तो समझ भी नहीं आई। लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे हो सकता है? देखो, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड भी अपनी वेपर बना रहा होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड भी अपनी वेपर बना रही होगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड और सॉलिड की वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। समझे? अब देखो, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। अब बात है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो क्यों रहा है, मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ रहा है, उस चीज को हम लोग लिखते हैं रीजन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रीजन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों आ रहा है। तो देखो, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। हम बोलते हैं एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज इक्वल व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट विल बिकम इक्वल एट लोअर टेम्परेचर। समझ आई क्या बात? बोलो, क्या बोलना चाह रहे? बताओ भाई, क्या बोलना चाह रहा है? देखो, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर सॉलिड की वेपर का प्रेशर और लिक्विड की वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाए, वो क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है ना, तो लिक्विड के वेपर का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा? बोलो। अब सॉलिड को जब लिक्विड की वेपर के प्रेशर, अपना प्रेशर इक्वल करना है, तो उसको भी थोड़ा कम वेपर ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी सॉलिड को भी, मतलब सॉलिड को भी अब कम वेपर ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसको भी अपना प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल रखना है, तो उसको भी कम वेपर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो पहले अगर कोई वेपर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बन रही थी, तो अब थोड़ी कम वेपर -1 डिग्री सेल्सियस पर बन जाएगी, हम इनडायरेक्टली बोल देंगे कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझे बात को? यस। बोलो। अरे, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो देखो, आप फॉर्मूले की बात करें तो जैसा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम होता था, सेम वैसा ही फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, एम क्या है, एम इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कौन से मोल्स, ऑब्जर्व मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, केएफ क्या है, केएफ इज
मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और यूनिट ऑफ केएफ क्या होता है, यूनिट ऑफ केएफ सब वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी, केकेजी पर मोल, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट को स्टार मार्क कर करके लिख रहा हूं, और हम लोग बोलेंगे केएफ के लिए केएफ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, प्रॉपर्टी है किसकी, सॉल्वेंट की। ऐसे हम लोग बोलेंगे जैसे केबी होता था सेम ऐसे ही केएफ होता है आर टी एफ स्क्वायर अपॉन थाउजेंड एल एफ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको आर टी एफ स्क्वायर इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय थाउजेंड इंटू डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ या एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पर ग्राम। ऐसे ही टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सब कुछ सेम है, बस फॉर्मूला बस डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम हो गया, बाकी सब सेम। इतनी बात समझ आती है। क्वेश्चन है एक, डिटरमाइन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3% यूरिया कॉमा 5.85% NaCl by weight, और KF दे रखा है कितना 1.86 KKG per mole। कर सकते हो ये क्वेश्चन, कर सकते हैं, करके बताओ। जल्दी से करो, मोलर मास नहीं दिया यूरिया और एनएसीएल का, किसका मोलर मास नहीं दिया, यूरिया और एनएसीएल नहीं निकाल सकते क्या तुम, अभी तक भी यूरिया और एनएसीएल का मोलर मास नहीं निकल रहा तुमसे।
0.003 फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है यार, एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता, देखते हैं अभी, है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेते हैं, बड़ा आसान है। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 का, तो यहां से यूरिया का मास क्या आ जाएगा 3 ग्राम, NaCl का मास कितना आ जाएगा 5.85 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा 100 माइनस 3 माइनस 5.85 मतलब 91.15 ग्राम। अब हमें क्या करना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M करना है ना। तो मोल्स ऑब्जर्व निकालने हैं किसके, सोल्यूट के। यूरिया के लिए आई के वैल्यू 1, ग्राम में वेट 3 अपॉन मोलर मास 60। NaCl के लिए आई के वैल्यू 2, ग्राम में वेट 5.85, मोलर मास 58.5। तो यहाँ से मोल्स ऑब्जर्व आ जाएगा सोल्यूट का कितना आएगा 1/20, और ये आएगा 2/20, 1/20 और 2/20 ऐसा कितना आएगा, या 4/20 आएगा, 2/10 आएगा, तो 4/20, तो यहाँ से 5/20 आएगा, मतलब 1/4, ठीक है। अब डेल्टा TF क्या होगा, 1.86 into moles upon 91.15 divided by 1000। इतनी बात समझ आती है? डेल्टा TF को तो ऐसा लिख सकते हैं 273 माइनस डेल्टा TF ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, देखो मैं कर देता हूँ एक बार सॉल्व, तो ये आएगा देखो ना, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1.86 इंटू 1000 अपॉन 91.15 इंटू 4, 1.86 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 91.15 डिवाइडेड बाय 4, ये तो 5 के आसपास आ रहा है, 5 मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं आ गया, 5 आ रहा है क्या, 5.1 आ रहा था क्या तुम्हारा भी, नहीं सर, यही कैलकुलेशन में कहीं एरर तो नहीं कर दिया, चेक कर लो एक बार, 1/10, 2/10, 4/20, 5/20, ठीक है। तो यहां से TF ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेना, ठीक है, कितना आएगा 267.9 केल्विन, यही आएगा, बोलो ठीक है क्या, यस ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं एक और करने को, हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एक्स वाई एंड जेड आर 1.8, 0.8, 2.5 रेस्पेक्टिवली, अज्यूमिंग दैट molality of all three solution is same, then determine the order of boiling point, freezing point and vapor pressure। समझे क्वेश्चन का मतलब क्या है, बताओ समझ गए क्या, कि तीन अलग अलग सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है जिनके लिए वांट ऑफ फैक्टर दे रखे हैं, तो उन अलग अलग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, उनके वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको।
हो गया क्या? बोलो भाई। सारे हम लोग स्टार्ट। बोलो देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अगर हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू का ऑर्डर देखें, वन टॉप फैक्टर के वैल्यू का ऑर्डर, सबसे ज्यादा आई का वैल्यू किसके लिए है बताओ? जेड के लिए सबसे ज्यादा है, देन एक्स, देन सबसे कम वाई के लिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्या फॉर ऑल थ्री सॉल्यूशन? के एफ एंड के बी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? बताओ क्यों बोला ऐसा? मोडालिटी ऑफ, अरे सभी के लिए के एफ के बी सेम क्यों है तीनों सॉल्यूशन के लिए, ये बताओ। मोडालिटी सेम है तो डेल्टा वी अपॉन मोडालिटी। अरे सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन है ना, वाटर सभी में सॉल्वेंट है, केएफ के भी वाटर की सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो सेम रहेगा ना। समझे नहीं समझे? मतलब सॉल्यूट की प्रॉपर्टी नहीं होती। अरे मैंने लिखवाया है नोट्स में कि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, बस वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है सिर्फ। ठीक है, मतलब अगर हम बोले कि डेल्टा टीबी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ गया। ठीक है, मतलब जिसके लिए आई ज्यादा उसके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा किसका होगा? जेड का होगा, फिर उसके बाद एक्स का होगा, देन उसके बाद वाई का होगा। बट हमें क्वेश्चन में डेल्टा टीबी नहीं पूछा, हमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। देखो इनिशियली तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम था, किस किस का? सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कैसे है? अरे मूर्खो, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है और आई भी आगे होता है, आई इंटू के बी इंटू एम, के बी सभी के लिए सेम है, मोलालिटी सभी के लिए सेम है, तो आई के तो प्रोपोर्शन होगा। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, आई से प्रोपोर्शनल नहीं समझा। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम होता है, होता है ऐसा। मोलैलिटी सभी के लिए सेम है, क्वेश्चन में बोला है के भी सभी के लिए सेम है तीनों सॉल्यूशन के लिए, तो आई के तो प्रोपोर्शनल हुआ डेल्टा टी भी। फिर समझा या नहीं समझा? देखो स्टार्टिंग में तीनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम था, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। पहले स्टार्टिंग में सभी का बॉइलिंग पॉइंट सेम था ना, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट था। जैसे जैसे एक्स वाई और जेड ऐड किया तो सबसे ज्यादा एलिवेशन किसमें आया? जेड में, और सबसे कम आया वाई में, और थोड़ा सा ज्यादा आया एक्स में। ठीक है, ये एलिवेशन है, ये सॉल्यूशन एक्स का बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन वाई का बॉइलिंग पॉइंट, और ये सॉल्यूशन जेड का बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा टीबी है, सबसे ज्यादा डेल्टा टीबी जेड में था और सबसे कम वाई में था। तो आप बताओ टीबी ऑफ सॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसका हुआ? ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी होता है, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाले तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका आएगा? y का, देन x का, देन z का। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या डेल्टा tf भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के?
बोल सकते हैं। यस, तो डेल्टा टीएफ का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा जेड एक्स और वाई, मतलब जेड का डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा, एक्स का उससे कम और वाई का सबसे कम। बट हमें क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट देखें हम लोग यहाँ पर वाटर का, तो स्टार्टिंग में सभी का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेम था, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में किसमें आया है? Z में, और सबसे कम आया है X में, और सबसे सॉरी सबसे कम आया है Y में, और मीडियम लेवल पर कौन है? X। अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? Y का। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? Y का। और सबसे कम किसका है? Z का। फ्रीजिंग पॉइंट देखो सबसे कम जेड का है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे मान लो पहले जीरो डिग्री था, जीरो डिग्री था, जीरो डिग्री था, मान लो ये माइनस में फाइव, माइनस में ये मान लो ये हुआ माइनस में 0.5 डिग्री, ये माइनस में 0.7 डिग्री, और ये माइनस में 1 डिग्री। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट जेड का ये, और सबसे ज्यादा वाई का है। डेटा से देखो ना सबसे ज्यादा वाई का ही फ्रीजिंग पॉइंट है। समझ गए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है? बोलो। यस। चलिए अब लास्ट, हमारी जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ऑस्मोसिस क्या होता है किसी को पता है? देखो मैं लिखवा देता हूँ ना, पहले अपनी डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, और from low concentration to high concentration through semi permeable membrane जिसको हम बोलते हैं SPM is called osmosis। देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें से पास नहीं हो सकते, है ना? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं। तो सॉल्वेंट की ज्यादा कंसेंट्रेशन से सॉल्वेंट की कम कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, जैसे मान लो एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है, मान लो इसको मैं ए साइड बोलता हूँ, इसको मैं बी साइड बोलता हूँ, तो सॉल्वेंट किधर ज्यादा है? सॉल्यूशन में ज्यादा है कि प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट मतलब ए साइड में सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ए साइड में ज्यादा है। तो सॉल्वेंट अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा, मतलब इधर की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा, ठीक है, इधर की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा थ्रू SPM, ये SPM है ना। यहां पर मैं लिख भी देता हूं यही बात, क्या SPM अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स to move through it, ठीक है, इसका इस movement को हम लोग क्या बोलते हैं? Osmosis, ठीक है। अब but हमारी जो colligative property है वो osmosis नहीं है, वो है osmotic pressure। तो अब हम लोग बात करते हैं osmotic pressure क्या होता है? Osmotic pressure। सर वो box वाला वापस बताना। हम बोलते हैं
कि हमेशा SPM में से सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव हो सकते हैं। अब सॉल्वेंट का पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव होगा, इधर से इधर जाएगा या फिर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव हो रहा है तो सॉल्वेंट के हाई कंसेंट्रेशन से सॉल्वेंट की लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब मुझे ये बताओ सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा किधर है, ए साइड में ज्यादा है सॉल्वेंट या बी साइड में ज्यादा है सॉल्वेंट? ए साइड में ज्यादा है ना, इसलिए मूवमेंट ए से बी होगा क्योंकि सॉल्वेंट ए साइड में ज्यादा है। समझ गए? सर आपने ऊपर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन लिखा है। हाँ, कंसंट्रेशन जो लो लिखी है वो तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है ना। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन में ही ज्यादा होगी, सॉल्वेंट तो प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जीरो है। मैं सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। वो जो ऊपर कंसंट्रेशन लिखी है वो सॉल्यूशन के लिए। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो हम बोलते हैं प्रेशर विच द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी को समझ आई ये बात? क्या बोला मैंने? बोलो। प्रेशर अप्लाई करना, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने बीच में यहाँ पर SPM लगा रखी है ना, ये SPM है, ठीक है? इधर हमारा सॉल्वेंट है, इधर हमारा सॉल्यूशन है, और सॉल्वेंट इधर की तरफ भाग रहा है ना। तो अगर हम लोग इस तरफ सॉल्वेंट साइड पर अगर मैं कोई प्रेशर पी लगाऊं तो क्या मैं सॉल्वेंट को इधर आने से रोक सकता हूँ? इधर से मैं प्रेशराइज करके रोकूंगा सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट इस साइड में नहीं आएगा। बोलो। yes. तो इस प्रेशर को जो ऑस्मोसिस को रोक दे, सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड में जो प्रेशर लगाया जाता है जो ऑस्मोसिस को रोक दे, उस प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते। समझ गए? अगर मान लो मैं प्रेशर मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगा दूं तो क्या होगा? सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट में जाएंगे। हाँ, सॉल्यूशन में से जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे अगर मैं प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दूं। अगर मान लो, देखो मान लो इस प्रेशर को मैं पाई नाम देता हूँ ना, इफ पी जो मेरा प्रेशर है वो पाई से छोटा है, तो ये मान लो ये ए साइड है, ये बी साइड है, तो मूवमेंट कहाँ होगा? मूवमेंट होगा ए टू बी, ए से बी की तरफ ही होगा अगर प्रेशर पाई से छोटा है। बोलो। इफ प्रेशर पाई के इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नो मूवमेंट। इफ पी इज ग्रेटर देन पाई है तो हम बोलेंगे मूवमेंट क्या होगा? बी टू ए होने लगेगा, ठीक है? अच्छा, इसको मैं ना और किसी बात से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे मान लो एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है ना, उस कंटेनर में ऐसे कुछ डिप किया हुआ है ना, और यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पे क्या लपेटी हुई है? SPM है ना, ये मेरी SPM है, ठीक है? और मैंने क्या किया है, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे सॉल्वेंट फिल करा हुआ है। क्या फिल किया हुआ है? सॉल्वेंट। और इधर अंदर क्या है? इधर अंदर क्या है? तो एक सेकंड रुको यार। तो ऐसा क्या होगा इसमें? इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल ही अंदर की तरफ मूव करेंगे। ऐसा ही तो होगा। तो इसका हाइट ऊपर बढ़ता जाएगा है ना, हाइट ऊपर रेस करेगा, और एक टाइम के बाद तो यह हाइट ऊपर बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों?
उसका प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर ये लिक्विड चढ़ता जाएगा तो लिक्विड की हाइट का कोई ना कोई प्रेशर लगेगा, और जब इस लिक्विड का हाइट का प्रेशर उस ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन की तरफ बंद हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, पाई इज इक्वल टू रो जी एच, एच हाइट का प्रेशर, रो जी एच ही बोलते हैं, बोलो। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और एच क्या है, वो हाइट। समझ में आई बात? चलिए, अच्छा एक टर्म और बताता हूं मैं तुम्हें, रिवर्स। सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो कंटीन्यूअसली चेंज होगी ना जैसे जैसे सॉल्वेंट। हाँ, ये एकदम बढ़िया डाउट पूछा है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी क्योंकि सॉल्वेंट का पार्टिकल अंदर आता जा रहा है, बट हम लोग क्वेश्चन करने के पर्पज से मानेंगे, क्वेश्चन करने के पर्पज से मानेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो जो ये जो चीज है ना, ये वाली, इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, आर ओ, ठीक है। कि जब हम लोग इतना ज्यादा प्रेशर लगा दे कि हम मूवमेंट की डायरेक्शन को ही बदल दे तो उसको आरओ बोल देते हैं। तो आरओ के अंदर जो हमारा वाटर प्योरिफायर होता है, आरओ, उसमें यही तो होता है कि जो गंदा पानी होता है, गंदा पानी होता है जो सॉल्यूशन होता है, उसमें हम ऊपर से इतना प्रेशराइज करते हैं, उस गंदे पानी को ऊपर से इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो बाहर से क्या दे देता है हमको, यहाँ से क्या निकलने लग जाता है उसमें से, एसपी सॉल्वेंट, मतलब प्योर वाटर निकलने लग जाता है। तो आरओ का कॉन्सेप्ट समझ आया, रिवर्स ऑस्मोसिस का? Yes. तो एक बार मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ, व्हाट इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस। हम बोलते हैं इफ इफ द प्रेशर अप्लाइड, इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, then solvent particles will move to will move from solution side to solvent side, this is called RO। समझ में आ गया होगा वैसे तो लैंग्वेज से, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं इसको समझ नहीं आया, आ गया? Yes. Yes. चलो अब बात करते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, उस ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो हम बोलते हैं क्या, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, इक्वेशन नंबर वन। हम बोले एट कॉन्स्टेंट मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी कॉन्स्टेंट रहे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम वन एंड टू से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मोलैरिटी, m into t। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक आएगा कांस्टेंट जो आएगा mRT, ये है मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर का। r का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट। मोलैरिटी क्या होगी, इसमें गैस कैसे आ गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट है ना, उसमें गैस कैसे आ गया, क्या मतलब क्या है? एक सेकेंड रुको, हेलो हेलो, हाँ हाँ यही हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहा। तो यहाँ पर देखो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कौन से मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। चलो
इतना तुम्हें समझ आता होगा। और ये मोलारिटी भी कौन सी है? ऑब्जर्व्ड मोलारिटी। या फिर हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं पाई इज इक्वल टू आई इन टू एम। अब यहाँ पर कौन सी मोलारिटी लेनी होगी? थ्योरेटिकल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें क्वेश्चन में, क्या फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलारिटी और मोलालिटी दोनों इक्वल होते हैं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, मोलालिटी दे दिया जाता है ना, मोलालिटी दे दिया जाता है क्वेश्चन में और बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो और इसके अलावा और कोई डेटा नहीं देते, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलालिटी से ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाले, हमें तो मोलालिटी चाहिए होगी। तो उस केस में कुछ नहीं करें, मोलालिटी को मोलालिटी के इक्वल मान ले और क्वेश्चन को सॉल्व कर दे बस। समझ गए? कन्वर्जन नहीं करना, कन्वर्जन नहीं करना, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में इतना डेटा गिवन ही नहीं होगा कि तुम कन्वर्जन कर पाओगे। समझे? यार तुम बड़े वो हो, ढीले बच्चे हो क्या यार, जब भी तुम बोलते हो तो पिछले दो तीन पेज पुरानी चीजें पूछते हो। सर केमिस्ट्री बड़ा फास्ट चलता है ना, केमिस्ट्री बड़ा फास्ट चलता है। फास्ट चल रहा है क्या यार, मतलब इतना भी तेज नहीं पढ़ा रहा यार मैं। ठीक है, नींद नहीं आती, मतलब एकदम मजा आ जाता है। मतलब एक बार बस सॉलिड स्टेट और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाए, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा मैं एक साथ, ORM 1 2 3 4 ORH ये सब एक साथ पढ़ाऊंगा, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा लग रहा है एक के बाद एक बोले फेंक रहे हो हम पे। क्या एक के बाद एक बोलने से क्या हो रहा है? एक के बाद एक हमला कर रहे चैप्टर। हाँ और क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होता है? सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ये मेरी बात ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनना। जैसे दो सॉल्यूशन में कंपेयर कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन ए है एक सॉल्यूशन बी है, दो सॉल्यूशन में कंपेयर कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन ए है एक सॉल्यूशन बी है, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक, है ना। अब देखो इसमें दो डेफिनेशन बताते हैं लोग, पहला कि अगर दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसको हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो वो हाइपोटोनिक। इसके अलावा एक डेफिनेशन ये भी बताते हैं क्या, कि एक सॉल्यूशन है उसका एक बार तो थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, है ना। थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे? जब मोलैरिटी को थ्योरेटिकल पुट कर दो, है ना, और एक बार ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। तो अगर ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आता है थ्योरेटिकल से तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, अगर ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर कम आता है थ्योरेटिकल से तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना। बाकी ये डेफिनेशन ज्यादा यूज नहीं होगी, जनरली दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं उसी में हम लोग डिफाइन कर देंगे कि अगर दो सॉल्यूशन में कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हाइपरटोनिक, जिसका कम होगा उसको हाइपोटोनिक, और अगर मान लो दोनों सॉल्यूशन का इक्वल हो तो क्या बोलेंगे? दोनों सॉल्यूशन का इक्वल हो तो आइसोटोनिक। हाँ, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक। अच्छा इसके लिए एक बात और बोल देते हैं हम लोग क्या, when
दीज सॉल्यूशन, दीज मतलब इसके बारे में बात हो रही है ना, व्हेन दीज सॉल्यूशन आर कैप्ट इन कॉन्टैक्ट देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट. ऐसा क्यों हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दोनों का, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है ना, तो इस वजह से कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और वैसे ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आइसोटोनिक ही हमारे काम आएगा. ठीक है, ये दो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, मतलब उनका क्या सेम है, वेपर प्रेशर सेम. चलो अब आगे क्या करना रह गया, इसके बाद क्या पढ़ा था? एक चीज और बची है, वो और पढ़ा देता हूँ. क्या डिटर्मिनेशन ऑफ पाई ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तब उनका पाई क्या होगा ये हमें बताना है, अगर सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें केस वन है हमारे पास, व्हेन सॉल्यूशन आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर. इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ बताओ? पहले केस का मतलब क्या हुआ बताओ भाई? व्हेन सॉल्यूशन आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर का क्या मतलब है? जब वो रिएक्ट नहीं करेंगे तभी हम लोग उनका ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा चेक करेंगे. मतलब सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए ना. ये सॉल्यूशन वन है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है और उसमें i i1 है. सॉल्यूशन टू की प्रॉपर्टी क्या है? मोलारिटी m2, वॉल्यूम v2 और i i2 है. अब यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन का मिक्सचर बन गया. मिक्सचर में हम लोग बस एक चीज बता सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है वो v1 plus v2 हो गया है, बाकी हमें कुछ पता नहीं. अच्छा, इसका पाई में ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि मोलारिटी ऑब्जर्व्ड मिक्सचर की इंटू आर इंटू टी, ये लिख सकता हूँ बताओ? अच्छा देखो, पाई वन क्या होगा? पाई वन ऐसा लिख सकता हूँ आई वन एम वन आर टी, पहले वाले सॉल्यूशन की पाई वन ये लिख सकता हूँ. yes. मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई वन एन वन अपॉन बी वन आर टी. ऐसे ही पाई टू में क्या लिख सकता हूँ, आई टू एम टू आर टी, मतलब आई टू एन टू अपॉन बी टू आर इन टू टी, ऐसा लिखा जा सकता है. अच्छा अब देखो, हमें निकालना क्या है, पाई मिक्सचर निकालना है. पाई मिक्सचर क्या होता है? मोलारिटी ऑब्जर्व्ड मिक्सचर की इंटू आर इंटू टी. मोलैरिटी ऑब्जर्व्ड मिक्सचर की क्या होगी? वो होगी मोल्स टोटल, वो भी ऑब्जर्व्ड वाले, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल. तो टोटल वॉल्यूम कितना है? v1 plus v2. अच्छा, ऑब्जर्व्ड मोल कोई मुझे बता सकता है टोटल ऑब्जर्व्ड मोल कितने होंगे? i1 n1 और i2 n2 होंगे, ऐसा ही होगा, i1 n1 और i2 n2. या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई वन इंटू एम वन वी वन प्लस आई टू इंटू एम टू वी टू, मतलब एन वन को मैं एम वन वी वन और एन टू को मैं एम टू वी टू लिख सकता हूँ. लिख सकते. मैंने एन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने जो डेटा लिया है वो एम वन वी वन लिया है, कि क्वेश्चन में एम वन वी वन गिवन है और एम टू वी टू गिवन है, ना कि एन और वी, एन वन और एन टू है ना. तो ये मेरा यह आ गया एम ऑब्जर्व मिक्सचर का आ गया. पाई मिक्सचर क्या होगा? पाई मिक्सचर होगा एम ऑब्जर्व्ड मिक्सचर का इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है?
आर टी से, है ना। अब देखो इस आर टी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, आई वन एम वन आर टी और इधर वी वन प्लस आई टू एम टू आर टी और इधर वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो आई वन एम वन आर टी क्या है, आई वन पाई वन और ये वी वन प्लस ये वाला पाई टू और ये वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। ये हमने हमारा फॉर्मूला डेराइव कर लिया, डेरिवेशन थी ये पूरी, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते, समझ गए। ओके केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या होगा, व्हेन सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग इन नेचर, अगर सॉल्यूशन मेरे रिएक्टिंग नेचर के हैं तो क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में हमें रिएक्शन गिवन होगी, जैसे सपोज करो हमें दे रखा है कि एक तो BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन था और एक 2AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन था, ये दोनों रिएक्ट हुए और क्या बनाए, 2AgCl का PPT प्लस BaNO3 होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या दे रखी थी कि ये 500 ml का सॉल्यूशन था 0.2m का और ये 300 ml का सॉल्यूशन था 0.5m। अब बताओ कि मिलाने के बाद इन्होंने रिएक्शन कर ली, अल्टीमेट सॉल्यूशन का मेरा पाई क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से जाना है, मैं ना एकदम कॉन्सेप्ट से करना है। देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ तुम्हें, सबसे पहले तो निकाल लो क्या मिली मोल्स ऑफ BaCl2 एक्वस, और ऐसे ही निकाल लो मिली मोल्स ऑफ AgNO3 एक्वस। मिली मोल्स क्या होंगे BaCl2 एक्वस के, पॉइंट वन नहीं होंगे 100 और ऐसे ये होंगे 150, ठीक है। मिलीमोल्स होता है ना, मिली में वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी करना होता है बस, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में वापस से लिखता हूँ, BaCl2 एक्वस प्लस 2AgNO3 एक्वस गिव्स 2AgCl प्लस BaNO3 होल ट्वाइस और ये भी एक्वस है ना। अच्छा इसका 100 मिलीमोल है, इसका 150 मिलीमोल है, कोई इन दोनों में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, बताओ सर क्या बता रहे, लिमिटिंग रिएजेंट है क्या इन दोनों में से कोई, है ना। कौन है, AgNO3 LR है ना, AgNO3 मेरा LR है। कैसे, देखो BaCl2 के 1 मोल के लिए, BaCl2 के 1 मोल के लिए AgNO3 का 2 मोल चाहिए था, तो 100 मिलीमोल के लिए कितना मिलीमोल चाहिए था AgNO3 का, 200, बट वो तो 150 है। तो देखो AgNO3 तो पूरा खत्म हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, ये कितना खत्म होगा, 75 खत्म हो जाएगा और 25 मिलीमोल बच जाएगा। 75 क्यों खत्म हुआ, देखो दो मोल के लिए एक मोल चाहिए था, तो 150 मोल के लिए 75 मिलीमोल चाहिए था, तो 75 खत्म हो गया, 25 बच जाएगा। और इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि ये तो पीपीटी है। और ये कितना बनेगा, देखो दो मोल से एक मोल बनता है, 150 से कितना बनेगा, 75 मिलीमोल, समझ गए। Yes, sir. बोलो। अब देखो अब अल्टीमेटली सॉल्यूशन में दो ही चीजें हैं बस, बेरियम का नाइट्रेट और बेरियम का क्लोराइड। अब फंडा क्या है, हमें निकालना है पाई मिक्सचर का, पाई मिक्सचर का क्या होगा, मोलैरिटी ऑब्जर्व्ड मिक्सचर की इनटू आर इनटू टी। अब ऑब्जर्व्ड मोलैरिटी कैसे निकालें, ऑब्जर्व्ड मोलैरिटी होती है टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम तो 800 ml है, क्यों है 800 ml, अरे 500 इसका मिलाया 300 इसका मिलाया तो 800 ही तो है। अब टोटल मिलीमोल्स कितने हैं बताओ, बेरियम क्लोराइड के टोटल मिलीमोल्स कितने हैं, 50 काउंट करेंगे ना, सॉरी 50 क्या 75,
एक सेकंड रुको यार, बेरियम क्लोराइड के मिलीमोल्स के चक्कर, बेरियम क्लोराइड के मिलीमोल्स को 20, ठीक है 25 इनटू 3 क्यों किया मैंने? ऑब्जर्व निकालना है, ऑब्जर्व निकालने ना, तो बेरियम क्लोराइड के लिए आई की वैल्यू 3 होगी, ऐसे ही बेरियम नाइट्रेट के लिए भी मैं क्या करूंगा 75 इनटू 3, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 3/8. अब पाई मिक्सर क्या आ जाएगा, पाई मिक्सर आ जाएगा 3/8 इंटू आर इंटू टी, आ गया आंसर. तो कॉन्सेप्ट लगाना है बस इसमें कि रिएक्शन हो रही है तो अल्टीमेटली सॉल्यूट क्या बच रहा है ये देखना है बस, समझ गए? यस. तो यहां पर हमारा चैप्टर खत्म. कांग्रेचुलेशन सर, एक डाउट है. हाँ बोलो. आपने वो क्वेश्चन दिया था ना आई वाला, क्या क्या बोल रहे? वो आपने क्वेश्चन दिया था ना एक दिन, डिटरमाइन आई फॉर डिसोसिएशन ऑफ एच थ्री. हाँ वो अभी भी नहीं. क्वेश्चन बताओ. डिटरमाइन आई फॉर डिसोसिएशन ऑफ एच थ्री प्राइवेसी कैसे दे. रुको रुको रुको, डिटरमाइन, अरे बोलो भाई. आई फॉर डिसोसिएशन ऑफ एच थ्री ए ट्राइबेसिक एसिड इन वाटर. ट्राइबेसिक एसिड इन वाटर, ठीक है. अल्फा वन इज इक्वल टू 100%. अल्फा वन है 100%, मतलब वन. अल्फा टू है कितना? 50%. 0.5. और अल्फा थ्री कितना है? 20%. अब देखो, एच थ्री ए से क्या जाएगा, एच टू ए और एच प्लस, है ना. और एच टू ए माइनस से क्या जाएगा, एच ए टू माइनस और एच प्लस. और एच ए टू माइनस से क्या जाएगा, ए थ्री माइनस और एच प्लस. मान लो स्टार्टिंग में वन था, है ना, वन मान लो, तो वन में से पूरा वन चला जाएगा और ये वन और वन बचेगा. yes. ऐसा ही होगा, वन में से ये पूरा चला जाएगा, वन और वन बनेगा. ये वन पूरा क्यों चला गया, क्योंकि अल्फा कितना था, वन था, ठीक है. अब इधर आ गया मेरा वन, ये जो ये था ना वही उठ के इधर आ गया, तो ये कितना जाएगा 0.5, तो ये 0.5 और 0.5 बनेगा, तो यहां से भी इसको 0.5 कम करो, ठीक. अब ये 0.5 यहाँ आ गया, 0.5 का 20% जाएगा ये, जैसे यहाँ पर इस वन का 50% क्या था, तो ये 0.5 का 20% जाएगा, मतलब कितना, 0.4 होता है ना, 0.1 होगा, 0.4 होगा, 0.1, तो ये भी बनेगा 0.1 और ये 0.1, तो यहाँ से भी 0.1 माइनस करो. अब देखो बचा कौन कौन है अल्टीमेटली सॉल्यूशन में, एक तो ये दोनों चीजें बची हैं जो कि कॉमन है, मतलब एक ही है ये दोनों, एक ये दोनों चीजें बची है जो कि एक ही है, और ये तीनों है जो अलग अलग है, तो ये दोनों कितना बचा है 0.5, ये कितना बचा है 0.4, ये कितना बचा है 1.6, तो ऐड कर दो तो कितना आएगा 2.5, ठीक है. तो अल्टीमेटली हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2.5 हो गए. देखो हमने इनिशियली माना था 1 लिया था इनिशियली, बट है कितना, वो 1 नहीं है, वो 2.5 है, ठीक है. तो आई क्या होता है, आई होता है मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन, जो भी ले लो, मोल्स ऑब्जर्व अपॉन मोल्स थोरेटिकल. तो आई इज इक्वल टू मोल्स ऑब्जर्व कितना है लास्ट में 2.5, थोरेटिकली हमने 1 लिए थे स्टार्टिंग में, तो आई की वैल्यू 2.5 आ गई, समझे. ए थ्री माइनस क्या, ए थ्री माइनस, अच्छा हाँ ए थ्री माइनस नहीं लिया क्या, ओहो हाँ ए थ्री माइनस भी लेना है, तो ये 3.5 कर लो इसको, है ना, तो ये 3.5 हो जाए,
ठीक है, क्लियर? यस। चलो फिर जो हमने होमवर्क दिया था वही होमवर्क करना, स्टीरियो का एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेना, वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बोलो। और जिनका अगर स्टीरियो हो गया होमवर्क में तो वो चाहे तो अपनी इच्छा से सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी मैं होमवर्क नेक्स्ट क्लास में मतलब कल वाली क्लास में दूंगा सॉल्यूशन। बोलो। 2.6 हो गया क्या? 2.6 होगा, ठीक है, तुम समझ गए ना, मेथड समझ गए ना क्या करना है, बस फिर मेथड ही इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए ठीक है फिर।